सरकार की ओर से तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन के समर्थन में व्यापारी, किसान और कर्मचारियों ने परिजात चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में किया। प्रदर्शन के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबानी और अडानी का पुतला जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया। हिसार से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। तीन कृषि काले कानून के विरोध के अंदर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल ने आज किसान आंदोलन के समर्थन में पूरे हरियाणा में जिला व ब्लॉक स्तर पर जोरदार धरना व प्रदर्शन का आयोजन किया है और इसी कड़ी के अंदर हिसार प्रजात चौक के ऊपर जोरदार धरना प्रदर्शन देते हुए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के चेते अमानी और अडवाणी जी का प्रजात चौक पर पुतला जलाया है। जब तक ये तीन कृषि काले कानून केंद्र सरकार वापिस नहीं लेती, तब तक किसान, आड़ती मजदूर सभी का आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये तीन कृषि कानून देश में लागू हो जाते हैं तो देश का किसान, आड़ती मजदूर बर्बाद हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि MSP ये तीन कानून लागू होने से किसान को फसल के अपने पूरे दाम नहीं मिलेंगे और देश की मंडियां बंद हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। जब सरकारी मंडियां बंद हो जाएगी तो किसान की फसल MSP रेटों पर कौन खरीदेगा? तो मेरी देश के प्रधानमंत्री जी से अपील है, देश के किसान, व्यापारी, आड़ती मजदूर और कर्मचारी व आम जनता के हित के अंदर ये तीन काले कृषि कानून जो बनाए गए हैं वो तुरंत प्रभाव से वापिस ले। आज पूरा किसान आंदोलन द्वारा, किसान संगठनों द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया था वो ऐतिहासिक रहा। इस ऐतिहासिक बंद को देखते हुए भी प्रधानमंत्री को अपनी जिद छोड़ते हुए अपना ये तीन कृषि कानून वापिस लेना चाहिए, नहीं तो हमारा और तेज आंदोलन पूरे देश और प्रदेश में किया जाएगा।